सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स में। तो आज बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की रैली भर्ती के बारे में। जी हाँ, अगर आप भी रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है और आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे अब जो इंडियन आर्मी की रैली भर्ती हुआ करेंगे उसमें तीन चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे और काफ़ी मेजर चेंजेस हैं। उन चेंजेस के बाद काफ़ी कैंडिडेट जो होंगे बाहर भी हो जाएंगे, काफ़ी कैंडिडेट को रिलीफ भी मिलेगा और काफ़ी कैंडिडेट आसानी से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए उन तीनों चेंजेस की बात कर लेते हैं। आप सभी से कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि जो अपने जो चेंजेस हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए कि सबसे पहला चेंज हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो 10वीं 12वीं के अंकों के आधार पर होगी सेना की भर्ती। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो भर्ती है, आप सभी को पता है कि डायरेक्ट कोई भी एप्लीकेशन इसके लिए फिल कर सकता है और जिसका मतलब सभी का एप्लीकेशन वापस आता है, आपका एडमिट कार्ड आता है और आप भर्ती देखने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब कुछ चेंजेस करने वाला है इंडियन आर्मी और यहाँ पे जो आपकी भर्ती होगी, जैसे जिस तरीके से पहले इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स के जो आपके कट ऑफ के हिसाब से कॉल लेटर आया करते थे, एडमिट कार्ड आया करते थे, सेम उसी चीज़ को अब यहाँ पे फॉलो करने वाला है इंडियन आर्मी। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके जितने बार वो देख लेंगे कि 1000 वैकेंसी है, 1000 वैकेंसी के लिए उन्होंने अगर 10 गुना कैंडिडेट को बुलाना है, यानी केवल 10,000 कैंडिडेट को, जो टॉप 10,000 होंगे जिनके 10वीं और 12वीं में सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे, परसेंटेज होगी, उन केवल 10,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, बाकी के जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस पे भर्ती बोर्ड काम कर रहा है इंडियन आर्मी। यहाँ पे देख लेते हैं 12वीं के अंकों के आधार पर होगी सेना भर्ती। मेरठ पहुँचे सेना भर्ती उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अपर महानिदेशक सुभाष शरण ने की प्रेस वार्ता। यहाँ पे देख लेते हैं मेरठ 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के आधार पर सेना भर्ती की कट ऑफ तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। कट ऑफ आने के बाद ही पद के अनुसार भर्ती रैली में युवा शामिल हो सकेंगे। ये बात मेरठ पहुंचे सेना भर्ती उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अपर महानिदेशक मेजर जनरल सुभाष शरण ने कही। उन्होंने कहा, इस प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है जिसमें सेना भर्ती रैली का खर्च कम किया जा सके। एक आवेदक पर 30 से 40 हज़ार रुपये तक का खर्च आता है। पिछले 150 वर्षों से ये भर्ती प्रक्रिया में बहुत कम बदलाव किया गया है। उप महानिदेशक ने युवाओं को दलालों के चुंगल में ना आने की बात कहते हुए कहा कि तपस्या की तरह मेहनत करने की ज़रूरत है, अगर आप मेहनत करेंगे तो सेना में भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए सिर्फ 2 बार प्रयास करना चाहिए, अगर 2 बार में आप चयनित नहीं होते तो प्रयास बंद कर देना चाहिए और दूसरी क्षेत्र में प्रयास करें। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि इनकी तरफ से ये चीज़ क्लियर की गई है कि इस पे विचार किया जा रहा है कि अब जो भर्ती होगी वो 10वीं और 12वीं की मेरिट के आधार पे होगी, यानी जिनके नंबर ज़्यादा हो गए उन लोगों को कॉल किया जाएगा और इस पे विचार किया जा रहा है। बहुत जल्दी इसमें चेंजेस कर दिए जाएंगे क्योंकि प्रत्येक अभ्यर्थी पर 30 से 40 हज़ार तक का खर्चा आता है जब भर्ती होती है रैली की, तो इस वजह से और बहुत कम बदलाव किए गए हैं पिछले 150 वर्षों में, तो यहाँ पे काफ़ी चेंजेस किए जा सकते हैं। अब देखिए सेकंड की अगर हम बात कर लेते हैं कि सेकंड जो अपना बदलाव क्या होगा, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो सेकंड आप देखेंगे सेना में अब ऑनलाइन परीक्षा से होगी भर्ती। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि अब तक जो आपका एग्जाम हुआ करता था ऑफलाइन ही हुआ करता था, आप सभी को पता होगा, तो लेकिन अभी जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है। जी हाँ, बहुत जल्दी जो आपका प्रोसेस होगा वो कंप्लीट कर लिया जाएगा और इंडियन आर्मी में अब आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। जी हाँ, चलिए आगे देख लेते हैं नई दिल्ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेना में भर्ती होने वाले प्रवेश परीक्षा को ऑनलाइन कराने का फैसला किया है, इसके लिए जरूरी तैयारियां की जा रही है। करीब 70,000 प्रश्नों का डाटा बैंक सेना तैयार कर रही है जिसमें से कोई भी प्रश्न ऑनलाइन परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि सेना में भर्ती होने वाली प्रवेश परीक्षा को जो ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है और यहाँ पे फैसला कर लिया गया है, इस चीज़ पे विचार नहीं किया जा रहा है, ये चीज़ फाइनल डिसाइड हो चुकी है। 70,000 प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक डाटा तैयार किया जा रहा है जिसमें से आपको कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है जब भी आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं गड़बड़ियों से बचने का कदम सेना के सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। ये कदम
बार बार प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा में होने वाली अन्य गड़बड़ियों से निपटने के मद्देनजर उठाया गया है। सेना अगले कुछ ही दिनों में ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली एजेंसियों से इसके लिए प्रस्ताव मांगने जा रही है। तो देखिए, एक सबसे बड़ी यहाँ पे अच्छी बात क्या होगी, मैं आप सभी को बता दूँ कि काफ़ी जो दलाली वगैरह चला करती थी, काफ़ी ऐसे कैंडिडेट थे कि जो कैपेबल है कि आराम से इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकते हैं, लेकिन जो दलालों की वजह से उन्हें वहाँ पे चांस नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऑनलाइन अगर इसका एग्ज़ाम हो जाता है तो यहाँ पे ऐसी दलाली वगैरह ख़त्म हो जाएगी और किसी भी तरह की कोई भी किसी को बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। और ये अच्छी बात है कि आपकी अगर ऑनलाइन यहाँ पे हो जाती है तो रिजल्ट वगैरह भी जल्दी फटाफट से, वैसे तो इंडियन आर्मी का रिजल्ट फटाफट आ जाता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे से एकदम भर्ती हो पाएगी। अगर यहाँ पे बात करें एक साथ परीक्षा, सूत्रों के अनुसार भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा एक साथ पूरे देश में कराई जाएगी। तो यहाँ पे आप सभी के लिए बता दूँ, सूत्रों के अनुसार भर्ती जो परीक्षा होगी पूरे देश में एक साथ करवाई जाएगी, यानी फिजिकल आपके अलग अलग डेट में होंगे लेकिन जो आपकी एग्जाम होगी वो एक साथ होगी। इसमें कई सेट के ऑनलाइन प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं सेना से जुड़ी जानकारियों पर आधारित होंगे। ऑनलाइन परीक्षा शुरू होने से साल में एक या दो बार ही एक साथ देश में सैकड़ों केंद्रों पर परीक्षा कराना संभव हो सकेगा। इससे सेना को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। सेना में करीब 6 से 7 हज़ार जवानों की भर्ती होगी, लेकिन आने वाले समय में वह संख्या बढ़ेगी क्योंकि सेनानिवृत्त होने वाले जवानों की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पे ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आने वाले टाइम में जो वैकेंसीज हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि रिटायरमेंट होने वाले जो वहाँ के कर्मी हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, इसी की वजह से जो आपकी वैकेंसी होंगी वो भी अब आपके लिए ज़्यादा रिलीज की जाएंगी। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे प्रक्रिया। अभी सिर्फ ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, देश भर में एक साथ सैकड़ों केंद्रों पर होगी परीक्षा। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया। अभी जोन वार भर्ती, सेना अभी भर्ती के विभिन्न जोनों में भर्ती करती है। साल में 8 से 10 क्षेत्रों में भर्ती होती है। पहले ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं, इनकी जांच के बाद योग्य उम्मीदवारों को तय स्थान पर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। फिर सफल उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होता है। इस प्रक्रिया में सेना को काफ़ी इंतजाम करने पड़ते हैं। इसके बाद भी प्रश्न पत्र लीक होने की घटना होती रहती है। तो इसी को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है कि आपका प्रश्न पत्र पेपर वगैरह लीक ना हो और सभी एकदम सही तरीके से हो जाए। तो ये दो इम्पोर्टेंट चेंजेस की यहाँ पे हम बात कर चुके हैं। अगर तीसरे इम्पोर्टेंट चेंज की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूँ कि आप सभी को मे भी पता हो कि यहाँ पे एक और इंडियन आर्मी की तरफ से अनाउंस किया गया था कि जो भी थर्ड डिवीज़न पास होंगे उन्हें वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और ऑलरेडी वो अनाउंस कर चुके हैं कि अगर आपके 60% से कम है तो आप क्लर्क SKT में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन मेजर चेंजेस मैं आप सभी के साथ डिस्कस करे हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी। और ये थर्ड जो डिवीज़न वाला जो आया था, इस सभी के बाद काफ़ी कैंडिडेट, काफ़ी अभ्यर्थी बाहर हो गए जिनकी थर्ड डिवीज़न थी, वो इस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप सभी के लिए जवाब दे दूंगा और आगे भी इंडियन आर्मी से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इसी प्रकार देता रहूँगा। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।